हमारे देश की आबादी है 140 करोड़ से ज्यादा और इनमें से 56 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कामकाजी हैं या फिर जिन्हें काम की तलाश है। सच ये है कि रोजगार इस देश का सबसे बड़ा सनातन मुद्दा है। हमारे देश में बेरोजगारी हमेशा से ना सिर्फ चुनावी बल्कि सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी रहा है। अभी 2024 के चुनावों में ही इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चलाए। विपक्षी नेताओं ने बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार को घेरा तो सरकार ने रोजगार के भरपूर मौके पैदा करने का दावा किया। चुनाव खत्म होने के बाद भी रोजगार और बेरोजगारी के मसले पर दोनों तरफ से सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है और लगातार रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है, 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई। पर कई बार सियासत और सच के बीच में फासला बहुत ज्यादा होता है। सच क्या है, आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने देश की मौजूदा बेरोजगारी दर पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच देश की बेरोजगारी दर 3.2% रही है, जो पिछले साल के बराबर ही है। यानी बेरोजगारी दर ना तो बढ़ी है और ना ही कम हुई है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर मामूली रूप से बढ़ी है, जो पिछली बार के 2.4% के मुकाबले इस बार 2.5% हो गई है, जबकि शहरी इलाकों में इसमें कमी आई है। पिछली बार शहरी बेरोजगारी दर 5.4% थी, जो इस बार कम होकर 5.1% ही रह गई है। अगर महिलाओं की बेरोजगारी की बात करें तो 2022-2023 में ये 2.9% थी, जो अब 3.2% है, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी दर पिछले साल 3.3% थी, जो इस साल 3.2% है। आंकड़ों के लिहाज से देश के लिए एक और अच्छी खबर है। 2017-18 के मुकाबले 2023-24 में बेरोजगारी दर करीब आधी रह गई है। 6 साल पहले यह आंकड़ा अगर 6% पर था तो अब वो 3.2% हो गया है, यानी कि 6 साल में आधा हो गया है। अगर हफ्ते में कम से कम 1 घंटे के लिए भी नौकरी, दिहाड़ी मजदूरी या फिर ऐसा कोई काम जिससे कमाई हो उसे रोजगार माना जाए तो दुनिया भर में रोजगार की यही परिभाषा है। यह परिभाषा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने तय की है। दुनिया की ज्यादातर सरकारें इसी को मानती हैं। इसी हिसाब से बेरोजगारी के आंकड़े निकाले जाते हैं और पता लगाया जाता है कि कितने लोगों के पास रोजगार है और कितने बेरोजगार हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दुनिया के बाकी बड़े देशों में बेरोजगारी का आलम क्या है। आपको हम बता चुके हैं कि केंद्र सरकार के मुताबिक भारत की बेरोजगारी दर 3.2% है। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका में यह आंकड़ा 4% है। चीन में बेरोजगारी की दर 5.1% है। जापान में यह आंकड़ा है 2.5% और जर्मनी में 3.3%। इंग्लैंड में 4.2%। फ्रांस की अगर बात करें तो वहां वो आंकड़ा है 7.4%। इटली में 7.8%, कनाडा में 6.3% और वहीं ब्राजील में ये आंकड़ा है 8%। भारत को छोड़कर बाकी सारे देशों के ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने जारी किए हैं। ये देश दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में शामिल हैं। इनमें सिर्फ जापान की बेरोजगारी दर ही भारत से कम है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार ही नहीं बढ़ रही है बल्कि रोजगार भी बढ़ रहा है। चलिए अब एक बार फिर अपने देश पर लौटते हैं।
यहां विपक्षी पार्टियां और उनकी राज्य सरकारें बढ़ती बेरोजगारी के लिए केंद्र को कटघरे में खड़ा करती हैं, एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं। ऐसे में भारत के राज्यों में बेरोजगारी का गणित क्या कहता है, ये भी जानना जरूरी है। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है लक्षद्वीप, जो केंद्र शासित प्रदेश है। यहां की बेरोजगारी दर 36% है, जबकि दूसरे नंबर पर केरल है, जहां बेरोजगारी दर करीब 30% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी राज्य में देश की इकलौती कम्युनिस्ट सरकार है। बड़ी बात यह कि केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य है, साथ ही यहां के करीब 50 लाख लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन जो बचे खुचे लोग हैं उन्हें भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्य और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश है। इस सूची में 8वीं नंबर पर है गोवा, जहां बेरोजगारी का आंकड़ा 19% है। यहां लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। और 9वें नंबर पर पंजाब है, यहां भी ऐसे लोगों की हिस्सेदारी करीब 19% है जिनके पास रोजगार नहीं है। ये युवा बेरोजगारी दर है। पंजाब में अकाली और कांग्रेस सरकार के बाद इन दिनों वहां आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज है। बड़ी संख्या में पंजाब के लोग भी विदेशों में रहते हैं। इस राज्य की 30 से 50 लाख आबादी दूसरे देशों में रहती है। हर साल पंजाब से 1.5 लाख नौजवान विदेश जाते हैं, और जो बच जाते हैं उन्हें भी रोजगार संकट से जूझना पड़ रहा है। 10वें नंबर पर यहां दक्षिण का राज्य आंध्र प्रदेश है। यहां बेरोजगारी का आंकड़ा 17.5% है। यहां इसी साल टीडीपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी है, जबकि इससे पहले वाईएसआरसीपी की यहां पर सरकार थी। ये तो हुई सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों की बात। जब केरल, पंजाब, गोवा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, तो वो राज्य कौन से हैं जहां सबसे कम बेरोजगारी युवाओं में है? इन राज्यों में नंबर वन है मध्य प्रदेश, जहां सबसे कम यानी कि 2.6% बेरोजगारी है। यहां बीच में 15 महीने की कांग्रेस सरकार को छोड़कर 2003 से ही बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश हिंदी हार्टलैंड का वो राज्य है जिसे कभी बीमारू कहा जाता था, फिर भी वहां बेरोजगारी की दर आज के दिन सबसे कम है। कम बेरोजगारी वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर गुजरात है। यहां की बेरोजगारी दर 3.1% है। गुजरात में करीब 3 दशक से बीजेपी की सरकार है। तो सोचने वाली बात है कि अगर किसी मॉडल की बात करें तो क्या सच में जब रोजगार की बात आती है तो मध्य प्रदेश मॉडल या गुजरात मॉडल पूरे देश में अपनाया नहीं जाना चाहिए? इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है राज्य, वो है झारखंड। यहां बेरोजगारी का आंकड़ा 3.6% है। इस राज्य में पिछले 5 साल से जेएमएम की सरकार है। चौथे नंबर पर है दिल्ली, यहां बेरोजगारी दर 4.6% है। दिल्ली में 2013 से ही आम आदमी पार्टी की सरकार है। पांचवें नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां बेरोजगारी का आंकड़ा 6.3%। छत्तीसगढ़ को राज्य बने 24 साल हो गए। इस दौरान 8 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो 2003 से 2018 तक लगातार 15 साल सरकार चलाने के बाद एक बार फिर से बीजेपी की वहां सरकार बनी है। बेरोजगारी पर सरकार के नए आंकड़ों में एक बेहद अच्छी खबर भी है। देश की लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। जिस देश में कभी पर्दा प्रथा थी, महिलाओं का घर से निकलना बहुत मुश्किल था, उसी देश की महिलाएं अब हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें महिलाएं परचम ना लहरा रही हों। सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017-18 में 23% महिलाएं कामकाजी थी, जो 2023 और 24 में करीब 42% हो गई हैं। यानी फिर से सिर्फ 6 साल में ही काम करने वाली महिलाओं की संख्या करीब करीब दुगनी हो चुकी है। सरकारी सर्वे की कुछ और बातों को देखें तो 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है। पिछले साल नौजवानों में 10% बेरोजगार थे, जो इस बार 10.2% हो गए हैं। अब एक और बड़ी बात, लोगों के पास किस तरह का रोजगार है। टोटल वर्कफोर्स में 58.4% खुद का रोजगार कर रहे हैं, जबकि 21.7% लोग सैलरी पर काम करते हैं, तो 19.8% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं।
हमारे देश की राजनीति जाति के बिना अधूरी है। ऐसे में किस वर्ग में कितनी बेरोजगारी है अब उसे भी देख लीजिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी सामान्य वर्ग में 3.8% है। दूसरे नंबर पर SC कैटेगरी है, इनकी बेरोजगारी दर है 3.3%। और तीसरे नंबर पर आते हैं OBC, इस वर्ग में 3.1% बेरोजगारी है, जबकि सबसे कम बेरोजगारी है ST कैटेगरी में और इनका दर है 1.9%। यह तो हुई सरकारी आंकड़ों की बात, लेकिन इस पर देश के यूथ क्या सोचते हैं, इसे हमने सीधे उन्हीं से पूछा। TV9 की टीम ने भोपाल और जयपुर के नौजवानों से बात की, सुनिए उन्हें क्या कहा। मेरा मानना है कि बेरोजगारी बिल्कुल कम नहीं हुई है, क्योंकि मैं खुद 2017 से MPSI की तैयारी कर रहा हूं। आज लगभग 4 से 5 साल हो गए SI की वैकेंसी नहीं आई है, और मैं कहना चाह रहा हूं बेरोजगारी बिल्कुल कम नहीं हुई है। बेरोजगारी मुझे नहीं लगता है कि कुछ कम हुई है, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो 2017 के बाद ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट हुए नहीं है। युवा तो अभी फिलहाल काफ़ी परेशान है कह सकते हैं, कि क्योंकि जो रोजगार है जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से रोजगार गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही। बेरोजगारी पहले से कम हुई है, क्योंकि BJP के आने से काफ़ी कुछ उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं, जॉब्स वगैरह प्रोवाइड हो रही हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सारे ही फील्ड में। श्रम मंत्रालय भी अच्छा काम कर रहा है हर मामले में। पहले मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मिलता था, आज कितने नई सड़कें नहीं बन रही है, तो उसमें हर को मिलेगा ना काम। कि जैसे कि एक कोई अपने एज से रिटायर्ड हो जाता है एक पर्सन, तो रिटायरमेंट के बाद उधर उसी की पोस्ट पे उनको संविदा में रख लेते हैं, मतलब उनको रिलीफ ना करते हुए, क्योंकि वो पोस्ट वैकेंट होगी, वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, तो जो यूथ को चांस नहीं मिलता उसी वैकेंट पोस्ट पे, वो उनको हाफ सैलरी पे, और क्योंकि एकोमोडेशन वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस गवर्नमेंट को पे नहीं करने पड़ते, सिर्फ उसी सैलरी को उनको हाफ करके वहीं के वहीं उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। अकेली सरकारी नौकरियों से ही हम रोजगार की को नहीं बढ़ावा दे सकते, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा, क्योंकि सरकारी तो लिमिटेड अपन दे सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में उसको आगे कैसे बढ़ाएं। पहले से ज़्यादा बेरोजगारी आजकल कुल हो रही है, फिर पहले से अभी नौकरियां नहीं निकल रही, बहुत से पद रिक्त है, और फिर रिक्त होने के कारण नौकरियां निकलनी चाहिए, तो युवाओं को यहां से बहुत ज़्यादा अपना बैक हो रहे हैं युवा यहां से। ये अलग अलग एजेंसी अलग अलग सर्वे करती हैं, हर बार ये बेरोजगारी का आंकड़ा आता है, कभी बढ़ा हुआ आ जाता है, कभी घटा हुआ आ जाता है। युवाओं ने ये सोच लिया कि सरकारी नौकरी है रोजगार का मतलब, सरकारी नौकरी के अलावा वो रोजगार मानते नहीं किसी को। प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार इतना मजबूत कर दे कि भाई युवा सरकारी नौकरी की तरफ भागना बंद हो जाएं। लघु उद्योगों के लिए ऋण की सुविधा दे रखी है सरकार ने, लेकिन आज युवाओं को ये नहीं पता कि भाई उसमें कैसे अप्लाई करें, कैसे अपन उनसे सरकार से ऋण ले पाएँ। हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पहले तो वैकेंसियाँ नहीं निकलती, और वैकेंसी अगर बाय द वे निकल भी गई तो सिस्टम में बैठे लोग उन वैकेंसियों में पेपर लीक करा देते हैं, और सिस्टम में पेपर लीक होता है तो फिर थोड़ा टाइम बाद में वो 5 साल तक 4 साल तक वो पेपर लीक का मामला चलता रहता है कोर्ट के अंदर, और फिर आगे आता है और बच्चा अवरेज हो जाता है। सरकारी आंकड़ों से हटकर देश की एक प्राइवेट एजेंसी है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि CMIE, ये बेरोजगारों के आंकड़े जारी करती है। इसके मुताबिक जून 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 8.5% थी, जो जून 2024 में बढ़कर 9.2% हो गई। आंकड़ों की जादूगरी और बाजीगरी अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी गारंटी की जरूरत है तो वो है रोजगार की गारंटी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। रोजगार की तलाश करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक हमें हर साल करीब 12 मिलियन यानी 1,20,00,000 नौकरियां पैदा करनी होंगी, और ऐसा होगा तभी रोजगारी गारंटी का नारा हकीकत में तब्दील हो पाएगा।